उत्तराखंड की चार धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। धामी सरकार इस साल यात्रा के सभी इंतजामों की समीक्षा कर रही है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति भी है। वही केदारनाथ जी से किया जा रहा है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बता दें कि राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति, केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए भी इस साल भी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की अजय ने कहा कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है, बावजूद इसके काम कर रही एजेंसियां अपने कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।